गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। इसको लेकर जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से लगातार निरंतर काम किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार के इस नमामि गंगे प्रोजेक्ट में एक नव युवक 17 साल के सुमेर हंडा बख्शी, जो मूल रूप से भारतीय है लेकिन अफ्रीका में पैदा हुए हैं। बता दें कि फिल्म लॉन्च के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजीव मिश्रा, महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अमिता प्रसाद, महानिदेशक यूपी सिंह, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव करुणा सिंह समेत लोग लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे और इस डॉक्यूमेंट्री को लॉन्च किया गया। धन्यवाद और बधाई सुमेर को, जिन्होंने एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किया है द स्पिरिट ऑफ गंगा फिल्म बनाकर के। रिवर गंगा जो है, जो गंगा माँ जिसे हम कहते हैं, करीब करीब 37% हमारी पॉपुलेशन जो है गंगा से जीती है, और इस नदी किनारे जिसे कहते हैं एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, कई धर्म पैदा हुए हैं, जनरेशंस जो हैं लोगों की और एनिमल लाइफ की जो है वहाँ पे पैदा हुई है। और इस माँ गंगा ने जो है, जिसे कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी कईयों को जो है जीवन दिया हुआ है और एक तरीके से जीने की शैली दी हुई है। गंगा जी की की जर्नी मेरी लाइफ में बहुत अर्ली एज से शुरू हुआ था। जब मैं हरिद्वार गया था अपना नाना जी के साथ, हमने देखा कि इतना प्रदूषण है गंगा माँ, इतना प्लास्टिक फैला है, और हमें पता चला कि गंगा में डॉल्फिन है, गंगा में घड़ियाल है, तो हमें लग रहा था कि ये अच्छी बात नहीं है। जब गंगा माँ है हमारे लिए, इतना प्रदूषण क्यों है? और उससे बढ़ के मैंने लोग से मिला, मैंने सोशल मीडिया पर शुरू किया, फिर मैंने क्राउड फंडिंग शुरू किया और ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। जो भी गेस्ट और मेहमानों यहाँ आए थे, सरकार के तरफ से हमें सारे कनेक्शन मिले, सरकार के लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, और एक पार्टनरशिप बन रहा है सरकार के साथ। आपने देखा कि डायरेक्टर जनरल NMC जी के, उनने थोड़ा सा बात किया। आपने देखा यूपी सिंह, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ने भी बात किया, इंडियन वाटरवेज के, तो सब अपने एडवाइस दे रहे कैसे चले, सब पार्टनरशिप में कर रहे ताकि यूथ को इंस्पायर कर सकते और इसको आगे ले चल सकते। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो उद्देश्य ये था कि हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स करें, किंतु लोगों को जोड़ना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब ये जन जन का मुद्दा बन जाएगा, जब सब लोग इसके बारे में जिम्मेदारी लेने लगेंगे, तभी परिवर्तन आता है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पिछले कुछ वर्षों से मैं इस मिशन में देख रहा हूँ, युवाओं से हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, और हमारे लिए सबसे बड़ी आशा जो विद्यार्थी हैं, जो युवा जन हैं, वो हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज की इस पहल को भी, जो सुमेर ने जो एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्योंकि जब इस तरह की भावना, इस तरह की फीलिंग युवाओं में आ जाए, वो कंजर्वेशन के बारे में सोचे, प्रकृति के बारे में सोचे, पर्यावरण को बचाने के लिए सोचे, हमारी नदियों के बारे में सोचे, तो अपने आप परिवर्तन आता है। और जो नमामि गंगे कार्यक्रम से जो परिवर्तन दिख रहा है, जो जल की क्वालिटी में परिवर्तन दिख रहा है, अब लोग उसको ओन अप भी